पूनम शर्मा। सोलंकी लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी और सुबह 5 बजे से लगातार महाकवरेज ऐसे ही जारी रहेगी। अब बने रहेगा हमारे साथ। बिल्कुल नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपिका सिंघल। तो देखिए छठा चरण आ चुका है और यहाँ पर छठे चरण के लिए सुबह 7 बजे से जिस तरीके से पूनम बता रही है कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन पूनम बड़ी बात यह भी है कि दिग्गज भी हमने देखे, मनोहर लाल खट्टर सबसे पहले हैप्पी आवर्स में वोट करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और शाम 6 बजे तक यूं ही ये प्रक्रिया जारी रहने वाली है। और खास सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खास चर्चा के लिए। जैसे कि वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटें बेहद खास है, लेकिन ऐसे में उन राज्यों को नहीं भूलना चाहिए जहां पर दिल्ली की 7 सीटों पर आज ही मतदान हो रहा है। हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है और ऐसे में मतदान वहां पर संपन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें है, बिहार की 8 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीट और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। लेकिन ये सीट अपने आप में बेहद खास हो, जैसे कि दीपिका आप बता रहे हो कि कौन कौन से इन हॉट सीटों पर वीआईपी चेहरे हैं। मेनका गांधी, मनोज तिवारी, निरहुआ, महबूबा मुफ्ती, धर्मेंद्र प्रधान, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज, मनोहर लाल समेत कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप जरूर शामिल होइए। बिल्कुल पूनम, और जिन दिग्गजों के आपने नाम गिनाए हैं, बताए हैं, इनमें से कई दिग्गज तो ऐसे हैं जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन कई दिग्गज ऐसे भी हैं जिनको कड़ी फाइट, कड़ी टक्कर भी जो विपक्षी गठबंधन है वो देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कौन कितनी टक्कर किसको देख पाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बात बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, ये पूर्वांचल की वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक यहाँ पर परेशानी का सबब जरूर रही है, क्योंकि 2019 में जरूर इन सीटों को, इनमें से ज्यादा सीटों को बीजेपी ने जीता था, लेकिन यहाँ पर चुनौती हमेशा से बरकरार रहती है। लेकिन आपको ये भी बताया कि बीजेपी जितनी उम्मीद के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ती है, पूनम, आज तक उतनी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई, और इसलिए ये ऐसा किला है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, यहाँ पर जाति और प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूनम बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए खास चर्चा भी लगातार जारी है। नरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक सवाल किया था, बेहद महत्वपूर्ण सवाल था, पंकज जी से जवाब लेना चाहेंगे। देखिए नरेश जी जो पूछना चाह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, इनके जो राजनीति का स्टाइल है वो अलग अलग इसलिए है क्योंकि बंगाल करके जो बंगाल मानुष करके जो पॉलिटिक्स चलती है उसमें अकेला चेहरा जो है वो ममता बनर्जी है, और अगर किसी पार्टी के साथ वो वहाँ गठबंधन करती है तो वहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य वोट है उसकी शेयरिंग में अंतर आता है। इसलिए जो ममता बनर्जी है और ना ही उनको किसी के साथ गठबंधन करने में वहाँ वोट मोटे रूप से फायदा नजर आ रहा है। दिल्ली की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, यहाँ पर आप दिल्ली में देखें तो अकेले दिल्ली की कोई कास्ट नहीं है, दिल्ली का कोई क्षेत्रवाद नहीं है, दिल्ली में हर क्षेत्र के हर हर कास्ट का मतदाता आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बंगाल की राजनीति लोकल स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ऐसे में अगर आप बाहर के किसी नेता या बाहर के किसी दल के साथ अगर वहाँ पर गठबंधन करते हैं तो उसका कोई लाभ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को नजर नहीं आया, इसलिए ये गठबंधन परवान नहीं चढ़ा। और आज आप देखिए जो ये विपक्षी गठबंधन है उसका सबसे बड़ा जो अलायंस ममता बनर्जी माना जा सकता था, लेकिन वो पूरी तरीके से इस गठबंधन से अलग चल रहा है, इतर चल रहा है। बिल्कुल पंकज जी, और वैसे भी कहा जाता है कि 25 मई से नौतपे शुरू हो जाते हैं, लेकिन सियासत की गर्मी का बढ़ाने का काम करते हैं कुछ ऐसे जुबानी नारे। जो नारा दिया है अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर, वो मुल्ला मदरसा और माफिया को लेकर, जो ममता बनर्जी कहती थी सीधा उसका उलट, क्या बवाल मचाने का काम करेगा, सियासत में गर्मी और बढ़ाने का काम करेगा, ये फैक्टर काम करेगा पश्चिम बंगाल में, एक फैक्टर केजरीवाल फैक्टर दिल्ली में भी काम कर रहा है, इस बार टाइमिंग और सिचुएशन अलग है, इमोशनली भी और एक बवाल पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है किस तरीके की सियासत आने वाले समय में नजर आएगी? देखिए पश्चिम बंगाल के और दिल्ली के मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं। दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो आप ही मान के चलिए, किसी नगर पालिका में जिस तरह के मुद्दे होते हैं वो दिल्ली के लोकल मुद्दे होते हैं, वहाँ ट्रैफिक की समस्या है। पंकज जी आपको रोकना चाहेंगे, केजरीवाल जी के पिताजी क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुश्किलों में है उसको लेकर कुछ कहेंगे? चुपचाप जा रहे हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें, क्योंकि जब बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन, और वो भी खास तब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पिताजी हों और वो इस तरीके से मतदान करने जाए, तो समाज में भी दीपिका बेहद खास संदेश जाता है। बिल्कुल। अब लेकिन पंकज जी आप बता रहे थे पश्चिम बंगाल का समीकरण, नरेश जी एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि दिल्ली में, हरियाणा में क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने,
इस बार क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ रही है, हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो ये जो गठबंधन यहां पर दिखाई दे रहा है दिल्ली और हरियाणा में, ये स्ट्रेटजी आप किस तरीके से देख रहे हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ये समय की वाकई में मांग थी, क्या ये वाकई में एनडीए की परेशानी बढ़ाने वाला समीकरण आपको नजर आ रहा है जो विपक्ष ने बैठाया है? देखिए, ये बात सही है कि हरियाणा में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इसमें भी दोहरा नहीं है कि जो 10 साल से वहाँ भाजपा की सरकार है, राज्य सरकार, उसके में जो एंटी इनकमेंसी है उसका असर इस लोकसभा चुनाव पे भाजपा को पड़ता नजर आ रहा है, और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जी रोक रहे हैं आपको, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है और अहम जिम्मा वो संभाल रही है, क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बाद जेल चले जाने के बाद अहम जिम्मा उन्होंने संभाला भी है, शिक्षा विभाग संभाला है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से वोट कास्ट करने के लिए वो भी पहुंची हैं, और ये मैसेज भी है जयशंकर प्रसाद जयशंकर की तस्वीर हमने दिखाई आपको किस तरीके से उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। लेकिन अब एक एक कर पूनम जो दिग्गज पहुंच रहे हैं, वाकई में ये उन लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि हम जब इतना समय निकालकर इतने काम के बीच में वोट कास्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंचिए, और इसलिए उम्मीद करेंगे कि ये जो आखिरी दो चरण है, जैसे कि आज छठा चरण मतदान शुरू हो चुका है 7 बजे से, और इसलिए फर्स्ट इंडिया बार बार अपील कर रहा है कि हम सुबह 5 बजे से लगातार महा कवरेज कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। आतिशी भी लगातार बातचीत कर रही है लोगों से, जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से मतदान चल रहा है, कि आपने वोट कास्ट किया या नहीं किया, और इन दोनों बेहद मुखर भी नजर आ रही है जब से केजरीवाल जेल गए, हालांकि अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल, लेकिन अपने आप में बेहद खास तस्वीर हो जाती है। देखना होगा कि मीडिया से रूबरू होती है या नहीं, मीडिया से रूबरू होंगी, क्या कुछ कहती नजर आएंगी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर बेहद खास कमाल कर पाता है या नहीं कर पाता इस बार, क्या इमोशनली जनता इस ओर होती नजर आएगी अपने मुख्यमंत्री के प्रति, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वोटिंग प्रतिशत का हम जिक्र कर रहे थे, अंतिम दो चरण है, छठा चरण और सातवां चरण, पंकज जी उम्मीद कर सकते हैं इन दो चरणों में कुछ कमाल हो पाएगा? देखिए, ये जो चरण है इसमें पिछले बार जो 2019 के चुनाव में करीबन 65% वोट डले थे इन सीटों पर, और आप ये मान के चलिए अगर इससे वोटिंग कम जाती है तो जो भाजपा है और जो बड़े दल हैं उनको इसका नुकसान हो सकता है, और अब तक के जो चरण हमको देखने को सामने मिले हैं उसमें पिछली बार से वोटिंग लगातार कम होती नजर आ रही है। बस एक जगह जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं जहां पिछली बार 7.6% वोट डले थे, और हर चरण में वहां वोट अब 40% के से ज्यादा ऊपर डाले जा रहे हैं। उसके अलावा ओवरऑल अगर सीनियरों देखें तो वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में कम है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उसके अलावा असम, ये 3 ऐसे स्टेट थे जहां वोटिंग परसेंट ज्यादा, लेकिन फिर भी ये वो स्टेट है जहां पिछली बार से यहां भी वोटिंग परसेंट कम रहा है। तो उम्मीद ये की जाएगी कि ये छठा चरण है, उसके बाद एक अंतिम चरण तो सातवां चरण मना है, यहां पर वोटिंग ज्यादा तेज हो सकती है या ज्यादा यहां वोटिंग होने की संभावना है। उसका कारण ये भी है कि ये वो सीटें हैं जहां पर भाजपा जो मुख्य पार्टी मानी जा रही है, जिसको सत्ता में तीसरी बार आने की उम्मीद है, वो कई सीटों पर संघर्ष करती आपको नजर आ जाएगी, चाहे हरियाणा की बात करें ट्राइंगल, दिल्ली की बात करें आमने सामने का मुकाबला, उड़ीसा में बात करें ट्राइंगल, यूपी में भी वो सीटें हैं पूर्वांचल से लगी जहां पर भाजपा को पिछले चुनाव में भी जो है कड़ी चुनौती मिली थी, और यहां का जो कास्ट इक्वेशन है उसके लिहाज से भी इस बार भी यहां पर बीजेपी को चुनौती मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग करी है, मुस्लिम मतदाता बहुत संख्या में, तो ऐसा माना जा सकता है ये जो छठे चरण की सीटें इसमें पिछली बार से कुछ मतदान बढ़ सकता है, और मतदान बढ़ेगा जब ही आपको कुछ बदले हुए समीकरण नजर आएंगे। नरेश जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, वो जरा पूरा करिएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी का जिक्र पंकज जी ने किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने इस बार देखा है कि यादव वोट बैंक से ऊपर उठकर, यादव राजनीति से ऊपर उठकर अखिलेश यादव ने इस बार ओबीसी पर दांव लगाया है, और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां के समीकरण बदलने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं बसपा के वोट बैंक के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की अखिलेश यादव ने कोशिश की है। नरेश जी, देखिए, कोशिश तो की है लेकिन उस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह के एक समीकरण अलग अलग समय पे बनते रहे हैं, अलग अलग गठबंधन होते रहे हैं, कांग्रेस की मजबूरी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा एक लगता है कि कांग्रेस अगर सपा मिलते हैं तो जो लगातार MY फैक्टर की जो हम बात करते हैं कि क्या वो बन पाएगा क्या, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के जो बने हैं, और बड़ी चीज़ ये है
कि उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो एक अलग तरह का मिजाज है, और वहाँ पे हमने पिछली बार जो चुनाव परिणाम देखे थे, जहाँ भी बात की थी कि पूर्वांचल जहाँ कड़ी टक्कर थी, जहाँ जो कह सकते हैं कि जातीय जो समीकरण अलग तरह के, लेकिन जो जिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वहाँ पर भी क्लीन स्वीप किया था। और हम बात कर रहे थे इससे पहले हरियाणा की, तो हरियाणा में ये बात सही है, तीन जो वहाँ महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक सत्ता विरोधी, दूसरा किसान आंदोलन और तीसरा खुद मोदी का चेहरा, इन तीन चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ा गया है। तो ये भी ठीक है कि पिछली बार जो 10 सीटें जीती थी, अभी के जो समीकरण में 4 सीटें ऐसी है जहाँ पे हमें कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, चाहे वो करे इनेलो इतनी मजबूत नहीं है या फिर कांग्रेस। देखिए वहाँ हर जो पार्टी वो क्षेत्र के हिसाब से उसका अपना प्रभुत्व है, क्योंकि यहाँ जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है ये पार्टी की भी पॉलिटिक्स है और फैमिली की पॉलिटिक्स है। आप भी चूंकि हरियाणा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की आप के पास से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ फैमिली पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपने इनोलो की बात की, तो चाहे चौटाला फैमिली हो, चाहे हुडा फैमिली हो, और कुरुक्षेत्र की बात करें जिंदल फैमिली हो, तो वहाँ फैमिली की पॉलिटिक्स अलग तरह की होती है। तो 4 सीटें ऐसी हैं, फरीदाबाद है, सिरसा है, रोहतक है, सोनीपत है, जहाँ पे लगता है कि कड़ा मुकाबला है। इन कड़े मुकाबले को क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर पाती है, ये देखना होगा, क्योंकि यहीं से ये फैक्टर जो है तय होगा कि जो कह सकते हैं कि हम परफेक्ट 10, शूटिंग में एक टर्म होती है परफेक्ट 10, जो 10 पे निशाना लगाता है वो जीतता है। तो यहाँ पे फिर से परफेक्ट 10 हो पाता है, नहीं हो पाता, क्योंकि अगर गुड़गांव है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है, अम्बाला है, भिवानी, इनकी बात करें तो यहाँ हमें भारतीय जनता पार्टी वो कुछ एडवांटेज में हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि रोहतक की सीट और जो कुरुक्षेत्र है, हिसार की सीटें, तीन सीटें महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी की बजाय जैसे मैंने कहा फैमिली पॉलिटिक्स ये सबसे महत्वपूर्ण है। रोहतक की बात करें, हुडा फैमिली की साख दांव पे है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकसभा का फैक्टर नहीं है, यहाँ फैक्टर विधानसभा का भी है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, तो सीधा मुकाबला माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और हुडा फैमिली का चुनाव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री बदल दिया गया ठीक लोकसभा चुनावों से पहले। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। लगातार आपके साथ जिस तरीके से बता रहे थे, क्या उस बात से आप भी सहमत रखते हैं? हम बात हरियाणा की सियासत समीकरण को समझने की कोशिश के लिहाज से अगर देखें तो हरियाणा की बात करें तो पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, और हरियाणा में बीजेपी एक ही पॉलिटिक्स करती है, जाट लैंड है, जाट वर्सेस अदर्स। तो इस दो बार वो वहां पर सत्ता का स्वाद चख चुके हैं, लेकिन इसी दौरान वहां किसान आंदोलन होता है, जो पंजाब आंदोलन से पंजाब से खड़ा होता है, और उसकी पूरी जद में हरियाणा आ जाता है। तो उस दौरान अनिल विज ने जिस तरह बयानबाजी की, खट्टर ने जिस तरह का एक्ट दिखाया, खट्टर के खिलाफ वहाँ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, और बीजेपी को इंटरनल सर्वे में ये आई कि अगर खट्टर के सीएम रहते हुए हम साथ चलते हैं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उन्होंने एक बार फिर खट्टर को हटाया और फिर नॉन जाट यानी नायाब सैनिक को वहाँ का सीएम बनाया। लेकिन जिस तरह अनिल विज ने बयानबाजी की, उनकी भी छुट्टी मंत्रिमंडल से कर दी गई कि इनको हटाते हैं तो देखते हैं एंटी इनकम्बेंसी कम होती है। तीसरा फैक्टर वहाँ है कि जो 10 साल से सांसद है, फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुजर है, इंद्रजीत है, अधिकतर कैंडिडेट उन्होंने नहीं बदले, महज करनाल से भाटिया की टिकट काट के खट्टर को वहां पर टिकट दिया गया। तो वहां व्यक्तिगत कैंडिडेट से बहुत नाराजगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नहीं है, और उनको रिपीट कर दिया गया। दूसरा, इस बार कांग्रेस ने वो जो टिकट वितरण किया वो अच्छा किया, इसकी वजह है क्योंकि इस बार कुमारी शैलजा सुरजेवाला को साइडलाइन हटके भूपेंद्र हुड्डा को, लोकल मुद्दे हावी रहेंगे, स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे या फिर मोदी फैक्टर काम कर जाएगा? वहाँ देखिए पूनम, किसान आंदोलन और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनकी नाराजगी और जातिगत समीकरण है वो बिल्कुल पक्ष में नहीं। आपको जैसे सोनीपत है, खुद भूपेंद्र हुड्डा पिछली बार चुनाव हार गए थे, सबको लगा, बीजेपी को लगा कि एक बार फिर जाट पर दांव खेलेगी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने वहाँ एक संत यानी सतपाल ब्रह्मचारी को खड़ा कर दिया, तो वहाँ जाट वर्सेज अन्य का मौका नहीं मिला। ठीक है, आतिश जी क्या कह रहे हैं? दिनेश जी आप तरफ करेंगे, सुनवा देते हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप हैं और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे।
देखिए आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहाँ पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहाँ पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहाँ पर पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें ज़रूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। बौछार लगाते हुए, बौछार करते हुए आतिशी को आप सुन रहे थे। नीरज जी अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि आपने बताया कि अधिकतम जो प्रत्याशी है बीजेपी ने वो बदले नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या बिल्कुल ये जरूरी था? क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। निहाती ए विषय रे मते लागुची आमे कंप्लेंट करिवु आउ काही की एंती देरी होउची मोर बूथ। तो देखिए संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। दिनेश जी सवाल ये था कि जो प्रत्याशियों का जिक्र आप कर रहे थे, ये ऐसा क्यों हुआ? अगर एंटी इनकम्बेंसी है फिर तो बदल देना चाहिए, तो क्या यहाँ पर ये मजबूरी थी रिपीट करना या फिर जरूरी था? लेकिन और दूसरा ये कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी ने बदला, उसका क्या वो भरपाई हो गई है क्या एंटी इनकम्बेंसी की? क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा या फिर डेंट उसी तरह लगा हुआ है जैसा आपने बताया? जी देखिए, बीजेपी की मजबूरी थी कि कुछ नेताओं की वो टिकट नहीं काट सकते थे, जैसे गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह हैं, और उनकी जो यादव और राव में जो पकड़ है, यानी पूर्व राज परिवार से आते हैं और जाटों के बाद वहाँ यादव वोट काफी तादाद में, तो राव इंद्रजीत की टिकट काटना तो पूरा फिर हरियाणा साफ हो जाते। किशन पाल गुजर है फरीदाबाद से, आपको गुजर वोट भी चाहिए, और अपने राजस्थान से सटी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है, वहाँ पर आप धर्मवीर दे रहे हो जो मजबूत है, वो भी 10 साल से सांसद है, तो उनकी टिकट काटना भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं था, क्योंकि फिर ऐसे कद के लीडर नहीं। जैसे रोहतक की बात है, पूरा जाट लैंड है, यानी 18,65,000 वहाँ वोट है टोटल, और 7 लाख तो उसमें जाट वोट है। पिछली बार दीपेंद्र हुडा 5वीं बार लगातार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार एमपी रहे। पिछली बार आपको पता है कितने वोटों से चुनाव आ रहे हैं? महज 7,505 वोटों से। तो अभी अरविंद शर्मा के अलावा उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, मात्र एक कौशली विधानसभा से। और इस बार देखिए, मैंने जैसे बताया कांग्रेस का टिकट वितरण, आपको बताया वहाँ पंजाबी मतदाता इतनी तादाद में कि राज बब्बर को गुरुग्राम से टिकट दिया, राव इंद्रजीत सिंह जिनका तमाम 10 सीटों पर, खासतौर पर यादव वाले सीटों पर है दीपिका, वो अपनी लोकसभा सीट छोड़कर कहीं प्रचार करने नहीं गए, यहाँ तक कि कौशली भी नहीं गए, जहाँ यादव मतदाता इतनी वजह से है कि हुड्डा 8 विधानसभा सीटों पर लीड लेके आए लेकिन कौशली में हार गए, तो वो इस बार अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाए। और क्योंकि कांग्रेस यादव को टिकट देती थी, वो दोपहर 12 बजे हार जाता था, क्योंकि यादव बड़ा राव इंद्रजीत सिंह है, तो इस बार पंजाबी को तो टिकट वितरण अच्छा है किया। भिवानी महेंद्रगढ़ है, 4 विधानसभा सीटों पर यादव वोट निर्णायक वोट है। किरण चौधरी जो बंसीलाल चौधरी की बेटी थी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी का टिकट काट के इस बार राव दान सिंह को टिकट दिया, जो अच्छी टक्कर यहाँ पर दे रहे। तो रोहतक, सिरसा, सोनीपत, खुद बीजेपी मान रही कि इन 3 सीटों पर कांग्रेस अच्छी मजबूत स्थिति में, नो डाउट अंबाला, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ बीजेपी अच्छी स्थिति में, और बनिया वोट वहाँ काफी तादाद में, इसलिए आप पार्टी के साथ गठबंधन किया। कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर सुशील गुप्ता है उसके साथ अलायंस में टिकट दिया गया, लेकिन वो सीट कांग्रेस की इसलिए फंस गई कि वहाँ जो इनलोद के अभय चौटाला है वहाँ किसान उनको वोट दे रहे हैं, अगर वो 1.5 लाख वोट ले जाते हैं तो फिर नवीन जिंदल की बीजेपी से राह आसान हो सकती है। खुद बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में कांग्रेस को 4 और खुद को 6 सीट दे रही है, लेकिन बड़ा डैमेज बीजेपी को हरियाणा में होने जा रहे। और भूपेंद्र हुड्डा ने एक और मनोवैज्ञानिक चाल चली कि सरकार को समर्थन दे रहे 3 विधायक अपने पाले में लाके उन्होंने मतदाताओं को भी बता दिया कि यहाँ पर क्या है। तो एक तो कैंडिडेट्स की व्यक्तिगत नाराजगी, और जो जाट वर्सेस अंधे की पॉलिटिक्स है वो 2 बार पुनः वहां पर चल चुकी थी, तो अब इसके मोदी जी क्योंकि विस्तार से आपने समझाया है स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लेकिन कई बार वो फेल हो जाती है जब दूसरी पार्टियां एक नई चाल चल देती है, लेकिन फिर भी वो दूसरे ऑप्शन के लिए तैयार रहते हैं। इस बीच कांग्रेस का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी तो स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है। मेरा सवाल पंकज जी आपसे है, नरेश जी इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। छठा चरण आ गया है, विधानसभा चुनाव में भी हमने कांग्रेस की स्थिति को देखा, उसके बाद गठबंधन भी देखा, उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनाई गई और उम्मीदवार तय किए गए वो भी हमने देखा। स्थिति क्या है कांग्रेस की? क्या थोड़ी सी मजबूत हो पाएगी या फिर और ज्यादा कमजोर आपको लग रही है इन निर्णयों के साथ? देखिए, कांग्रेस ने जो कोशिश ये करी है कि जो देश भर में गठबंधन करके जो अपनी जो साख है उसको बरकरार रख सके,
यूपी में जो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है कांग्रेस का, जैसे पहले अभी नरेश जी ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस के पास वहां कुछ पाने के लिए नहीं है और कुछ खोने के लिए भी नहीं है, तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी तो इस तरीके की रही है कि देश भर में उनकी जो मौजूदगी है उसका आभास करा दिया जाए, चाहे वो गठबंधन राजनीति के जरिए हो, चाहे अपने जो छोटे दल हैं या चाहे खुद के कैंडिडेट उनके जरिए किया जाए। इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और लोकल सहयोग जो है उनसे वो लेती हुई नजर आ रही है, क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अब तक जो इतिहास को देखा जाए तो अगर कांग्रेस ने किसी भी राज्य में गठबंधन किया है या छोटे क्षेत्रीय दल हुए हैं तो उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही किया। हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से निकली हुई है, उसने कांग्रेस को वहाँ नुकसान किया। आज कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से साफ है। हम और बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस ने जिससे गठबंधन किया वहां पे वो साफ है। हम महाराष्ट्र में एनसीपी की बात करें तो एनसीपी शरद पवार वो भी कांग्रेस से निकले हुए थे, वहां अगर एनसीपी भारी हुई तो कांग्रेस का वोट परसेंट बहुत बेहद जो है निम्न स्तर तक वहां पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर ये माने कि अगर कांग्रेस गठबंधन की राजनीति करती है तो गठबंधन की राजनीति उसकी उन्हीं दलों के साथ करना मजबूरी है जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं या जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल कई जगह पे ऐसा हुआ कि कांग्रेस तो रह गई वहां पीछे और क्षेत्रीय दल कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ते नजर आए। तो कुल मिला के देखें तो मुझे जो समझ में आ रहा है पूरा सीनरियो, गठबंधन की राजनीति अब तक के इतिहास को देखें तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाती नजर आ रही है। और अब क्या होने वाला है ये तो अब भविष्य गर्भ में है कि ये जो गठबंधन कांग्रेस ने किए वो कितने फायदेमंद होते हैं। आपने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कभी और देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन हश्र क्यों हुआ, किसने किया, इसके लिए तो खुद कांग्रेस दोषी है, इसमें किसी और का दोषी होना नहीं है। आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में लगातार और रोक रहे नरेश जी, जरा आपको रोक रहे हैं, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं क्योंकि इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहां आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन। और देखिए गुस्सा महबूबा मुफ्ती का पूनम आप सुन पा रहे होंगे क्योंकि आरोप उनकी तरफ से भी तमाम लगाते जाते रहे हैं और अब भी लगाए जा रहे हैं। ये आरोप सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर वोटिंग प्रतिशत के जरिए अगर हम देखें तो बदलती नजर आ रही है। नरेश जी, इसका भी जिक्र आप कीजिएगा, लेकिन पहले आप अपना जवाब जरूर दीजिए। बिल्कुल, देखिए चूंकि महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है, लाजमी भी है क्योंकि जहां से खड़ी है वहां पे मियां अल्ताफ अहमद है, उनके सामने उनकी स्थिति कहा जाता है मजबूत है, और धारा 370 हटने के बाद ये चुनाव है तो एक तरह से इसलिए सबकी नजर, हालांकि चुनाव पहले होना था लेकिन किसी कारणवश इसको स्थगित किया गया, अब चुनाव हो रहा है। और ये तो देखिए कि महबूबा मुफ्ती है और उमर परिवार है, ये तमाम जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन जो आपने बात की कांग्रेस की, तो आप देखिए दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जो है वो वहाँ पे काफ़ी समय तक राज किया, आज वहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है, वहाँ कांग्रेस का कोई MP नहीं है, कांग्रेस के विधायक के लाले पड़ जाते हैं। आप पंजाब में चलिए, कांग्रेस का राज हुआ करता था, आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप हरियाणा में चलिए, वहाँ कांग्रेस जो है मजबूत थी, वहाँ क्या हुआ। पंजाब में पार्टी के साथ कांग्रेस जो है उससे हार गई। आप दिल्ली में उसी पार्टी से है वो आप कैसे गठबंधन कर रहे हैं, तो तमाम जो चीजें, और इसके अलावा जितने भी क्षेत्र में अखिलेश यादव की जोड़ी के साथ कुछ कमाल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट कांग्रेस के पास, रायबरेली तो, और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ कांग्रेस का राज हुआ करता था। लेकिन जितनी भी पार्टियां निकली है, पंकज ने सही कहा, वो पार्टियां निकली किससे, क्षेत्रीय पार्टियां अधिकतर कांग्रेस से निकली है, तो कांग्रेस को जो हम बात करें उसके लिए कोई और जो है वो जिम्मेदार नहीं है, खुद कांग्रेस का जो उनकी खुद की कह सकते गठबंधन जो पार्टी चलाने की। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल नरेश जी रोक रहे जरा, मनोज तिवारी एक बार फिर से प्रत्याशी, चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मनसा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हो, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने, जो टूरिज्म का समय था, पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं।
जो पहले आया था उससे पहले हम आए थे, सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी। तो देखिए यहाँ मनोज तिवारी को आपने सुना, सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा। दिनेश जी आप से इस सीट के बारे में आपने खास चीज इस तस्वीर में देखी है कि मनोज तिवारी बेटी को साथ में लेकर आए, तो ये इफेक्ट उनके उस गाने का है रिंकिया के पापा, जो उन्होंने चुनाव में उछाला था लेकिन वो बाद में उल्टा ही उनके ऊपर पड़ गया। आम आदमी पार्टी ने वो उसको बेटियों की उसके साथ जोड़कर उस चुनाव में प्रस्तुत किया। बहुत बड़ा संदेश देने की जो आज मनोज तिवारी बेटी को साथ लेके आए हैं, जो गोदी में बच्ची को साथ रखा हुआ है, ये उसी जो मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उछाला था उसी के जवाब में मुझे लगता है वो इस बार वो डैमेजिंग प्रतीकात्मक राजनीति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल दिनेश जी आपसे, मनोज तिवारी की सीट का ही कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्लीन स्वीप 2014 में भी 2019 में भी किया बीजेपी ने। इस बार हमने देखा कि 7 में से 6 प्रत्याशी तो बदल दिए, माना ये जा रहा था कि तमाम फैक्टर काम कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन ये जो सीट है मनोज तिवारी की ये रिपीट कर दी, इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ आता है? क्या मजबूत स्थिति में है या फिर अन्य कोई वजह? दीपिका देखिए दिल्ली के अंदर सबसे रोचक मुकाबला हो रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की सीट है और जहाँ पर बिहार और खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और उत्तरी इलाके के लोग हैं वहाँ के मतदाता यहाँ पर निर्णायक है, और संभवतः शायद शीला दीक्षित को भी मनोज तिवारी ने शिकस्त दी थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन इस बार दिल्ली की 7 सीटों में सबसे रोचक मुकाबला या चर्चित मुकाबला है तो इसी सीट पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट और अपने तेज तरार वक्ता को यहाँ पर मैदान में उतारा है। लेकिन चुनाव यहाँ पर काफी टफ है। अब पूरी जो मनोज तिवारी है उनको मोदी की जो गारंटी है, मोदी का जो चेहरा है उसी पर उनको उम्मीद है, और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए फिर बाहर आए, स्वाति मालीवाल मार्केट पर प्रकरण यहाँ पर हुआ, उन तमाम चीजों के मद्देनजर कवरअप करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ भी अलबत्ता कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है पाने को यहाँ पर है। 2 सीटों पर कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है, चांदनी चौक जहाँ पर जेपी अग्रवाल है कई दफा एमपी रहे हैं, जहाँ मुस्लिम और व्यापारी के काफी तादाद में निर्णायक यहाँ पर वोट है, तो अच्छी चुनौती कन्हैया कुमार यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के छोड़ने से डैमेज हुआ, क्योंकि काफी अच्छे वर्कर थे, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो कन्हैया कुमार के साथ यहाँ पर नहीं लगा, जो उनके लिए एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती थी। जेएनयू स्टाइल में उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन संगठन उनके लिए तो अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचार किया, हमने देखा गले मिलते हुए दोनों नजर आए थे, उसका कोई प्रभाव ऐसा लग रहा है क्या? कोई मैसेज वहां से देने की कोशिश की थी क्या? जी देखिए आखिरी चरण में कन्हैया कुमार का चुनाव थोड़ा वहां पर उठा, जिस तरह उनके साथ मारपीट हुई और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं उनके साथ वो मीटिंग्स यहाँ पर करते हैं तब उनके पक्ष में थोड़ा माहौल यहाँ पर बनता है। लेकिन एक वो वोटों में कितना तब्दील होता है, क्योंकि लवली वहाँ वर्कर थे, उनके पास टीम थी, वो संभवतः यहाँ से टिकट मांग रहे थे, उनको दिया यहाँ पर नहीं गया। लेकिन फिर भी इस बार 7 में से 4 सीटों पर, 2 सीटों पर आप पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस अच्छी टक्कर यहाँ पर दे रही है, या तो स्कोर वहाँ 3-4 रह सकता है या फिर कम मार्जिन के साथ एक बार फिर बीजेपी क्लीन स्वीप यहाँ पर मिलाकर। दिनेश जी हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है और रोचक मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी, महा कवरेज फर्स्ट इंडिया न्यूज, कवरेज लगातार जारी, और बस यही अपील फर्स्ट इंडिया न्यूज आपसे कर रहा है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती होता है और 58 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया जारी, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर चर्चा भी लगातार जारी है। खास साथी हमारे साथ लगातार मौजूद है दीपिका। बिल्कुल, और सुबह लगातार 7 बजे से वोटिंग जो प्रक्रिया उसकी हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ पूनम कहां पर कैसी टक्कर किसके बीच में है, कितना कड़ा मुकाबला कहां पर है, किस तरीके से किसने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है, किसने बरकरार रखा है, किसने प्रत्याशी बदले, किस लिहाज से, वो भी हम एक एक सीट का विश्लेषण अपने दर्शकों को लेकर रहे हैं लगातार। लेकिन पंकज जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अगर ओवरऑल इस 6ठे चरण को देखा जाए तो आपने क्या गौर किया, किसकी कैसी रणनीति, किसने कैसे जातीय समीकरण बैठाकर कौन से क्षेत्रीय समीकरण कार्य किए, कौन से मुद्दे कार्य किए, ओवरऑल अगर हम आपसे 6ठे चरण का जानना चाहे तो क्या रोचक आपको दिखाई दिया? देखिए 6ठे चरण में जो है दिल्ली के हम लोग अपन बात कर चुके हैं, हरियाणा की बात कर चुके हैं, हरियाणा का पूरा चुनाव तो जैसे डांगी जी ने भी बताया कि पूरी तरीके से जातिगत इक्वेशंस पे है हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव उसके बिल्कुल अलग तरीके का है, वहाँ मुद्दे खाली आरोप प्रत्यारोप के चल रहे हैं, केंद्र सरकार पर केजरीवाल आरोप लगाते हैं, केजरीवाल पर
केंद्र सरकार में बैठे लोग आरोप लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम आए जो यूपी की जो पॉलिटिक्स हर बार हमको देखने को मिल रही है, 14 जो सीटें यूपी की इस चरण में, यहां पर आपको दोनों तरफ से गठबंधन की राजनीति दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो यूपी में चला ही आ रहा है, लेकिन खास बात ये इन सीटों पर भाजपा का भी गठबंधन आपको इन सीटों पे अभी दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहाँ दो पार्टियों से गठबंधन किया हुआ है, एक जो निषाद की पार्टी है वो है और एक भाजपा उनकी पार्टी है पटेलों वाली, इन दोनों से इन लोगों ने गठबंधन किया हुआ है। और इस अपना दल जो है, और इस बार जो चुनाव है इन जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी को भी गठबंधन की राजनीति का यूपी में सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि यूपी में इस फेज में मोदी और योगी के आगे भाजपा को गठबंधन राजनीति का सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो जातिवाद इक्वेशंस है वो इस तरह की, यहाँ पर यादव मुस्लिम और पिछड़ी जातियों का वोट बड़ी संख्या में है, और उसको तोड़ने के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग को जो अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी ने यहाँ छोटे दलों से हाथ मिलाया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि इस सीट पे इस गठबंधन से भाजपा को बहुत कुछ लाभ होना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लड़ाई बहुत जो इन सीटों पर जैसे आजमगढ़ है और सीटें इनमें बहुत जो है बारीकी का मुकाबला पिछले चुनाव में देखने को मिला था, इसलिए भाजपा ने यहाँ गठबंधन का रास्ता अपनाया है। अब इसके बाद जो सब और दो बड़ा स्टेट है वो आता है पश्चिम बंगाल, वहाँ सीधा सा जो मुकाबला है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रहा है। उसके बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा का ये अंतिम चरण का चुनाव है लोकसभा के साथ, यहाँ विधानसभा का चुनाव का भी अंतिम चरण है, 45 विधानसभा सीटों के लिए भी यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इस चरण में गठबंधन की राजनीति भी है, जातिगत इक्वेशंस भी है, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इस पूरे चरण में देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि भाजपा पूरी जो सीटें है उसमें एक ही तरह के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है जो भाजपा के मुद्दे हैं, जबकि हर स्टेट में जो क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। नरेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि विस्तार से उन्होंने समझाया कि किस तरीके से बदलाव छठे चरण तक उन्होंने देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी प्रचार प्रसार को लेकर हर चरण में बदलती हुई नजर आई, वो पैटर्न बहुत बदलता हुआ नजर आया। नरेश जी, आपने भी देखा होगा, वजह क्या हो सकती है? क्या वो खुद को बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में देख रही है, या उसकी मजबूरी हो गई है कि प्रचार प्रसार को बदला जाए हर चरण में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसे भी समझ आ रहा होगा बीजेपी, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के कोई काम नहीं करती। देखिए, आप पूरे छठे चरण तक के मतदान की बात देखें और चुनाव प्रचार की बात देखें, हर एक जो चरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है, और जो 7 चरण की उन्होंने कह सकते हैं कि 7 गेट बनाए एक तरह से, कि पहला गेट ऐसे पार करना है, दूसरा ऐसे पार करना है, तीसरा ऐसे पार करना है, और उस रणनीति के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है। पूरा जो फोकस है भारतीय जनता पार्टी का वो फोकस रहा है मोदी का चेहरा, मोदी के चेहरे के बाद, क्योंकि शुरू में आप देखिए जब चुनाव शुरू हुआ था तब 10 साल के काम की बात हुई थी, और 10 साल के काम के साथ साथ 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे वो रह गए, काम का, 370 का और राम मंदिर का, और जो मोदी का जो चेहरा वो तो है ही, और जहाँ जिस मुद्दे की ज़रूरत पड़ी है उस मुद्दे को वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है, और जहाँ जिस नेता को टारगेट करना था उस इसके हिसाब से उन्हें टारगेट करके आगे बढ़े हैं। और रही बात, देखिए आप देख सकते हैं, आप दिल्ली का चुनाव आप बात करें, उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, आने वाले समय पंजाब का चुनाव होगा, वहाँ की अलग रणनीति होगी क्योंकि वहाँ की चुनौतियाँ अलग होगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास अलग तरह की चुनौती है, जातिगत समीकरण वहाँ पर हावी है, वहाँ पर फैमिली पॉलिटिक्स हावी है, तो इसी कारण से उसको कैसे जीता जाए, वहाँ के लोग किन ठीक है। नरेश जी, रिएक्शंस लेते हैं। आज मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है, और मैं सब देशवासियों से, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है, और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है, और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम 3री बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है, तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली सैलरी माता जी को,
और पहली वोट भारत माता को यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन पाकिस्तान बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि सिरसा के लोग पिछली बार 3,08,000 वोटों से जिताया था, इस बार मुख्यमंत्री जी नायब जी आए, मनोहर लाल जी आए और पार्टी का शीर्ष नेता आया, योगी जी आए, योगी आदित्य। तो बिल्कुल अशोक तंवर को आप सुन रहे थे यहाँ पर, किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का पूनम जिक्र किया, लेकिन इस पर एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे दिनेश जी। देखिए ये अशोक तंवर है, पहले ये कांग्रेस में थे लेकिन हुड्डा परिवार से इनकी बनी नहीं, मारपीट भी इनके साथ हुई, फिर आप पार्टी में चले गए लेकिन आपका फिर गठबंधन हो गया। तो अशोक तंवर के लिए ये चुनाव कह सकते हैं कि करो या मरो का। रोहतक के बाद अगर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है तो दूसरी सीट है सरसा, जहाँ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा है, वो चुनाव लड़ रही है। अभी प्रियंका गांधी ने सभा भी की थी आखिरी दिन, तो अशोक तंवर के लिए जो किसान वोट बैंक है और काफ़ी वहाँ नुकसानदायक हो सकते हैं, और चेहरे के रिएक्शन और उनके स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि चुनाव वहाँ पर कितना फंसा हुआ है। बिल्कुल दिनेश जी आपने कहा, और नरेश जी ब्रेक से पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे थे स्ट्रैटेजी को लेकर, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी उसका भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि मानो ना मानो जनता भी जानती है जिस तरीके से स्ट्रैटेजी कांग्रेस की चल रही है, लेकिन कह रहे हैं जाने राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी ऐसे चलती रही तो विलुप्तीकरण जो कहते हैं ना किसी चीज का हो जाता है वो कहीं कांग्रेस का ना हो जाए, उसे आपसी अंदर खाने मंथन की भी जरूरत है। क्या लगता है कि अब थोड़ा सा वो सोचेगी अपने प्रचार प्रसार में जो एक आखिरी रह गया है चरण? देखिए कांग्रेस का जहां तक चुनाव आपने कही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द वहां का चुनाव रहा है और प्रदेशों में जो स्थानीय नेता उनके इर्द गिर्द रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश इस चुनाव में की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयानों में क्या गलती करते हैं उसको कैच करके फिर आगे बढ़े। लेकिन हर चीज में उनका मोदी का जिक्र होता है, बीजेपी का जिक्र होता है, अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दरअसल देखा जाए तो फर्क तो पड़ता है। देखिए पूनम, अगर पूरे चुनाव की बात करें हम तो चुनाव तो पूरा मोदी के इर्द गिर्द जी, मोदी के इर्द गिर्द ऐसे समझिए कि आप मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है, मोदी को जिताना है या मोदी को हटाना है। गठबंधन क्यों हुआ? गठबंधन लेकिन मोदी को हराने के चक्कर में कहीं खुद कमजोर हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कह रहा हूं गठबंधन क्यों हुआ, कांग्रेस गठबंधन होता तो जो है वो कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस की सरकार तो उससे बन नहीं रही अपने इंडिविजुअल आधार पे, उनका मकसद ये है मोदी को कैसे हराया जाए। तो मोदी को हराने की जो रणनीति है विपक्ष, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस की बात करें या अन्य क्षेत्रीय दलों की सपा की बात करें, तो उनके कारण ये सही है कि वो सीमित रहती है। आज मान लीजिए कि दिल्ली में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ती है तो बाकी जगह उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे। तो गठबंधन की राजनीति का बड़ा नुकसान भी है कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनका वोट बैंक जो है, भले उनका कैंडिडेट खड़ा रहता है कितने वोट आते हैं वो उसके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जब शिफ्ट करने की बात आती है तो हो सकता है परमानेंट शिफ्ट हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप देखिए जहाँ जिस राज्य में चुनाव होते हैं उनके अनुसार उनकी रणनीति रहती है। उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए चुनावों में, अलग तरह के जो बयान होंगे। हरियाणा की जो चुनाव होते हैं वहाँ अलग तरह, क्योंकि वहाँ की अलग समीकरण, वहाँ चुनौतियाँ अलग तरह की है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हर आप जो सातवां चरण आएगा आप देखिए कि बयान बिल्कुल बदले होंगे, उनकी रणनीति अलग तरह की। और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मैं देख पाया हूँ कि जहाँ उनको लगता है कि अब चुनौती ज़्यादा है वहाँ वो आक्रामक ज़्यादा हो जाते हैं, और वो ये आभास नहीं होने देते, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, अन्य नेता हो, वो कहीं आभास नहीं होने देते कि यहाँ हम कमज़ोर है, बल्कि वहाँ ज़्यादा आक्रामकता दिखाते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया पंजाब में, दिल्ली में और हरियाणा में, जहाँ लगता है कि चुनौती ज़्यादा है, तो आप देखिए वहाँ का तरीका अलग है। वहाँ पे हरियाणा का चुनाव देखिए, मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको, हरियाणा का चुनाव देखिए, हरियाणा के चुनाव को कैसे मोदी ने एक नए लाइन से जोड़ा कि राम मंदिर का मुद्दा है पूरे देश में, भाजपा ने मुद्दा उठाया तो हरियाणा से जोड़ दिया कि साहब हरियाणा का हर आदमी तो दिन में
30-40 बार राम राम ही बोलता है, बिल्कुल बिना राम राम के उनकी दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो ये उनकी जो प्लानिंग होती है, जो उनकी स्ट्रेटजी होती है, उसके अनुसार वो चुनाव लड़ते हैं और किस राज्य में क्या रणनीति है उसके अनुसार वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। आपने भी बात करी थी, सिरसा की बात की थी, अशोक तंवर की बात करी थी, जाना जाता है कि सबसे ज़्यादा पार्टियाँ बदलने वाले नेता कहलाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपनी जो पूर्व सांसद थे उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया है, लेकिन कुमारी सैलजा को कमजोर नहीं आका जा सकता, उन्होंने बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो यहाँ पे जैसे आपने कुरुक्षेत्र की बात कर ली है, कुरुक्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि इस बार उनकी स्थिति कमजोर है तो नवीन जिंदल को ले आए। नवीन जिंदल जो ये कहते थे कि अगर वो वहाँ पे चुनाव लड़ते तो जीतते थे, दो बार पहले भी उन्होंने जीता, हालांकि 10 साल बाद वो जो वापसी करे, लेकिन जहाँ लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि इस पार्टी के नेता के लेने से हम जीत सकते, क्योंकि उनका मकसद है अभी जीतना, सरकार को रिपीट करना, जो वो एक दावा कर रहे हैं 300 पार का, उसको कैसे हासिल करें। तो उसके लिए हमने चाहे राजस्थान में देखा हो, अन्य राज्यों में देखा हो, जो जीतने वाला कैंडिडेट उनको लगता है, और दूसरी बात जहाँ उसके अनुसार फैसला लेते हैं। आप देखिए भीलवाड़ा में जो 5 लाख से प्लस जो चुनाव लड़ा था उनकी टिकट काट दी, आपने अभी जो खट्टर की बात की थी, खट्टर को टिकट वहाँ से दी है टिकट काट के पिछले कैंडिडेट की, जो 6 लाख वोटों से जीते थे। तो जहाँ लगता है कि एंटी इनकमेंसी है, चेहरा बदलना है, या दूसरी पार्टी का कोई अच्छा चेहरा है जो चुनाव जीत सकता है उसको टिकट, लेकिन ये जो बयानों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये बयान कितना ज्यादा प्रभाव डालते हैं? क्या ये बदली रणनीति के साथ जो बदले बयान होते हैं, क्या वो जनता को प्रभावित करते हैं, या फिर जनता जो मन में मन बनाकर जो बैठी है जिस भी प्रत्याशी के लिए, वो उस पर अपना मतदान करती है? देखिए चुनाव जब शुरू होता है तब मुद्दों का चुनाव होता है, वादों का चुनाव होता है, अपने काम का चुनाव होता है। चुनाव आगे बढ़ता है तो बयानों का चुनाव हो जाता है, और एक बयान, एक शब्द कई बार कैंडिडेट को नुकसान कर देता है या पार्टी को आगे भी ले जाता है। तो इसी कारण ऐसे में ओडिशा के पूरी का भी जिक्र करना चाहिए। उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। एक लाइन संबित पात्रा ने कही और उनके जो चुनाव है उस पे नुकसान सा होने लग गया। उन्होंने हालांकि खेद भी प्रकट किया, उपवास की भी बात की, लेकिन देखिए ये पब्लिक इमोशन है, कई बार जो चुनाव है वो मुद्दों से भटक जाता है, और उस वक्त किसी नेता ने क्या कहा, किसके लिए क्या बोला, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और उससे चुनाव की दिशाएं बदल जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता का रुख किस ओर जाएगा। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, नौतपा आज से शुरू हो गया है, लेकिन सियासत की गर्मी कितनी परवान पर है, जनता कहां रुख कर रही है, आज फैसला हो जाएगा इन 58 सीटों को लेकर, और आखिरी चरण फिर रह जाएगा 1 तारीख को जब वोटिंग की जाएगी, जिसे लेकर प्रचार प्रसार में फिर जुट जाएंगे सभी प्रत्याशी। लगातार हमारे साथ साथी भी जुड़े हुए हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी क्योंकि सुबह 5 बजे से महाकवरेज दीपिका लगातार जारी। बिल्कुल, तो कहीं मत जाइए।